अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिस्टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। हम देख रहे हैं आज की मार्केट में जब पूरे वीक को कंपाइल करके पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आज के दिन की बात करें तो यहां पे 48,000 का लेवल रेजिस्ट करता हुआ दिखाई दिया, जबकि लो बना 48,022 के करीब करीब में। इट मीन्स कि यहाँ पर हम लेवल साइकोलॉजिकल बैरियर लूज़ कर सकते थे, लेकिन मार्केट के अंदर अच्छा पोटेंशियल मौजूद है जिसका इम्पैक्ट हमने देखा। ऑयल सेक्टर ने ज़्यादा सपोर्ट किया जिसका इम्पैक्ट भी हमने आज देखा। बाइंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा देखी और खासकर इंडेक्स में पॉजिटिविटी आज के दिन नजर आई। दो दिन से नेगेटिव या बियर्स का होल्ड दिखाई दे रहा था, आज जबकि वीक का एंड है और कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखी गई तो उसमें हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आई और साथ साथ मार्केट के अंदर बियर्स का जो होल्ड था वो काफ़ी हद तक लूज होता हुआ दिखाई दिया। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज हम स्टूडियो में टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर अब्बास साहब, आप हेड ऑफ रिसर्च हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। ताहिर, सबसे पहले ये बताइए, बजट जब आया और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बजट पेश किया गया, बहुत पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आ रही थी, जो मार्केट की परफॉर्मेंस थी या मार्केट का जो एक रिएक्शन था वो बहुत पॉजिटिव था। अब क्या देख रहे हैं, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो प्रपोजल्स थे उनको कितना हद तक जो है वो रखा गया है और कितना हद तक उसको शेड किया गया है? देखिए, बजट जो आया है, जैसा आपने अभी अर्ज़ की कि एक प्रो ग्रोथ जो है वो गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, क्योंकि अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास अगले 2 साल ही रह गए हैं जिसमें इन्होंने परफॉर्मेंस जो है वो देनी है। तो इस साल हमने देखा जीडीपी में तकरीबन 3.94% का नंबर है। ये हमें लगता है कि थोड़ा सा हायर साइड पे 4.5% के करीब जो है वो हो जाएगा जब नंबर फाइनलाइज होंगे, और अगले साल इसी तरह गवर्नमेंट तकरीबन 5% का जीडीपी ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्ट करिए। अब उस 5% जीडीपी ग्रोथ को हासिल करने के लिए ऑब्वियसली आपने जो है वो जो स्ट्रेटजी रखनी है वो प्रो ग्रोथ रखनी है। अगर आप स्ट्रेटजी को प्रो ग्रोथ रखेंगे और जितनी भी लोकल जीडीपी है उसको सपोर्ट करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट, तो फिर हम ये अचीव कर पाएंगे। तो यही चीज़ हमने रिफ्लेक्शन देखी बजट के अंदर। बजट के अंदर ब्रॉडली स्पीकिंग कोई गवर्नमेंट ने जो है वो नया टैक्स जो है वो नहीं लगाया जनरल पब्लिक के लिए, और बाकी इसके अलावा ऐसे सेक्टर्स जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर हैं जिसमें टेक्सटाइल हो गया, फुटवेयर हो गया, इनको सपोर्ट करने के लिए जो है वो इनके रॉ मटेरियल पे जो है वो कस्टम ड्यूटीज़ और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ में छूट दी गई। इसके अलावा और बहुत सारी प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल पे जो है वो कस्टम ड्यूटी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी को कम किया गया ताकि हमारी लोकल प्रोडक्शन जो है वो। प्लीज हाईलाइट द पॉलिसीज, जो पॉलिसीज की बातें हो रही थी, न्यू पॉलिसीज आने की, तो उनके बारे में भी बताइए और फिर आगे चल के मैं इसको फर्दर डिसेक्ट करूंगी। जी देखें, पॉलिसीज जो है उसमें बजट जो है वो ब्रॉडली अगर मैं देखूँ तो ओवरऑल ईएनपी सेक्टर के लिए पॉजिटिव रहा, इन अ सेंस के जो गवर्नमेंट की डिविडेंड एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम ओजीडीसी एंड पीपीएल, जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, उनसे गवर्नमेंट ने थोड़ी हायर साइड पे रखी है, तो मार्केट ने उसको वेलकम किया। इसके अलावा एक हमारी रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्द आ जाएगी, तो जो उसके मेजर कंपोनेंट हैं वो गवर्नमेंट ने बजट में जो है वो इंक्लूड कर दिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि अभी जो बजट आया है दैट इज़ फाइनेंस बिल, ये एक्ट बनेगा तो इसमें और जो फर्दर सजेशंस होंगी इंडस्ट्रीज़ की तरफ से, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से, डिफरेंट सेनेट की तरफ से, तो वो फिर उसमें जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। तो ऑल इन ऑल, और देखें फिर हम अगर दूसरे सेक्टर्स पर आ जाएँ तो ऑटो सेक्टर के लिए जो है वो काफ़ी बेहतर रहा बजट। तो ऑल इन ऑल ओवरऑल डिफरेंट सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव रहा। जहाँ तक पीएसएक्स की बात है तो देखें, पीएसएक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है बजट, इन अ सेंस के जो कैपिटल गेन टैक्स था उसको 15 से 12.5% कर दिया गया। इसके अलावा एक दो और टैक्सेस थे जिनको जो है वो इन्होंने कम किया। इसके अलावा जो प्रॉफिट ऑन डेट है उस पर जो है वो उसमें अब ऐसा हुआ है कि अगर आपकी कोई 5 लाख से ज़्यादा आपका एनुअल प्रॉफिट होगा किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट पे जो कि आप बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, तो वो फिर आपकी इनकम में ऐड होगा और अकॉर्डिंगली टैक्स लगेगा। और इसी तरह रियल एस्टेट में भी जो कैपिटल गेन टैक्स है अगर वो साल का 50 लाख से ऊपर होगा, 50 लाख तक तो जो है वो फ्लैट 5% का रेट है, और 50 लाख से अगर ऊपर होगा तो वो आपकी इनकम में ऐड होगा और आपके अकॉर्डिंगली टैक्स स्लैब में आएगा। तो इन सब चीज़ों को अगर हम कंपेयर करें ना, तो जो एक्विटीज़ हैं वो एक टैक्स एफिशिएंट एसेट क्लास जो है वो इस बजट में बन गई है। तो आई बिलीव बजट जो है वो, ऑब्वियसली हमने ये भी विटनेस की थी बात के मार्केट इन द मंथ ऑफ मई तकरीबन 7-8% जो है वो इंक्रीज़ हुई थी, एंड दैट वाज सोली बिकॉज ऑफ द बजट के लोगों की एक्सपेक्टेशन थी बजट आएगा
उसमें पॉजिटिव चीज़ें होंगी। एंटिसिपेशन में मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है, आगे की चीज़ें देख रही होती है। तो वो जब लास्ट वीक बजट आया तो इस वीक हमने देखा मंडे को एक पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, फिर उसके बाद ट्यूजडे वेडनेसडे को थोड़ा सा मिक्स सिचुएशन रही, नेगेटिव हो गई मार्केट। उसके बाद मार्केट कल भी नेगेटिव थी, आज मार्केट ने एक रिबाउंड रिएक्शन दिया। तो आई बिलीव गोइंग फॉरवर्ड जो नेक्स्ट वीक का भी बता देना थोड़ा सा, अगर ये पूरे वीक को कंपाइल करें तो बहुत एक अच्छा एक सिनेरियो बना है। और नहीं, इवन अगर हम नेक्स्ट वीक और इन शॉर्टर रन एक महीने दो महीने भी देखें तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत रोबस्ट है। आपका पी जो है वो 2022 का पी 6.2 टाइम्स है, विच इज़ वे बिलो द लास्ट 10 ईयर एवरेज ऑफ 8 टाइम्स। तो हमारी मार्केट जो है वो इस वक्त भी बहुत चीप मल्टीपल पे जो है वो ट्रेड कर रही है, और उसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी सपोर्टिव है। ऐसा नहीं है, क्या समझते हैं, ये तो एक आउट वे क्वेश्चन है बट फिर भी ये बनता है इस टाइम पे करना। मार्केट टेक्निकल टर्म्स में बहुत आगे जाते हुए दिखाई दे रही है, एक्सपेक्टेशन भी है कि आने वाले दिनों में मार्केट में 55,000 और 50,000 तक क्रॉस करेगी ऑब्वियसली। इसके बाद मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा प्राइस अर्निंग मल्टीपल? देखें, अगर हम लोग अब इस वक्त 6.2 टाइम्स में, तो मार्केट यहाँ से 25% भी अगर बढ़ती है और वो 8% के करीब आ जाती है, तो वो 60,000 हमारी मार्केट सिर्फ इस बेसिस पे बढ़ सकती है कि अगले साल की जो अर्निंग ग्रोथ है उस वो भी हमारा जो है वो मैच हो जाए और मीन रिवर्जन हमारे पी की हो जाए, जो कि हमारा पिछले 7 से 10 साल का एवरेज रहा है 8 टाइम्स का। अभी हमारी मार्केट 6.2 के मल्टीपल पर जो है वो ट्रेड हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि मार्केट की जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत सॉलिड है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ईएनपी सेक्टर के रिजल्ट्स अब अच्छे आने शुरू हो जाएंगे बिकॉज इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपने देखा है $70 से ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा था, कल थोड़ा सा नीचे आया था बट ओवरऑल अगर आप देखें 75 तक टच हुआ था। इसके अलावा बैंक्स के रिजल्ट अच्छे होंगे, सीमेंट्स के भी बेहतर होंगे, स्टील के भी बेहतर होंगे। पॉलिसीज़ की बात की है आपने तो मैं सीमेंट और खासकर स्टील के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। मार्केट हाइलाइट्स देखते चलते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। ओपन हुई मार्केट 48,157.6 थे के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 48,411.87, लोअर वॉज 48,022.72 एंड फाइनली क्लोजर 48,238.67, यानी के 81.04 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। कुछ फ्लैट नोट है बट फिर भी एनी हाउ पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रही है। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 748.64 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं, कल के मुकाबले में डिक्लाइन नजर आता है 368.78 मिलियन शेयर्स का, वैल्यू रही 20.62 बिलियन रुपीस। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बिंग इन ग्रीन टेरिटरी, हम नेटवर्क लिमिटेड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.60 के इजाफे के साथ, 9.12 पे क्लोजर 88 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। WTL सेकंड स्कॉट पे 0.11 का इजाफा देखा गया, 4.12 पे क्लोजर रहा, 76.46 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली बाइको पेट्रोलियम 0.50 का इजाफा, 12.86 पे क्लोजर, 70.34 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स, मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। हम देख रहे हैं थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स की पार्टिसिपेशन ज़्यादा दिखाई दे रही है, ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं ऐसा क्यों है। ताहिर, ज़्यादा थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स में काम हो रहा है या फिर लोगों का रुझान वहाँ जा रहा है या लोग चाहते हैं कम पैसे और कम नुकसान, ये तमाम चीज़ ज़रा बताएँ। जी देखें, इसमें ऐसा है कि जो थर्ड टियर स्टॉक्स हैं इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा। और हिस्टोरिकली हमने देखा है पिछले, अगर आप 2 से 3 महीने में देखें तो कुछ ऐसे स्मॉल स्क्रिप्ट्स थे जिसमें ऑब्वियसली पार्टिसिपेशन हुई, वो बढ़ गए। वन ऑफ इट आई गेस वॉल्यूम लीडर्स में भी था। जी बिल्कुल। और इसके अलावा भी और स्टॉक्स हैं जो कि पहले जो है वो स्मॉल कैप में आते थे बट वो प्राइसेस की जो एक हमने बढ़ते हुए उनको देखा तो अब रिटेल पार्टिसिपेशन उसमें आ रही है। बट नन द लेस जो आई बिलीव मेजर आपके बड़े सेक्टर हैं जिन पे ईएनपी हो जाएगा, जिसमें सीमेंट्स हो जाएगा, जिसमें स्टील हो जाएगा, जिसमें फर्टिलाइज़र हो जाएगा, जिसमें रिफाइनरीज हो जाएगा, इनमें जो है वो अभी भी बहुत जूस बाकी है। और ये सारे सेक्टर जो हैं ये प्योर फंडामेंटल ड्रिवन सेक्टर्स हैं, इनमें अर्निंग्स ग्रोथ हैं, कंपनीज जो हैं वो उनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, डिविडेंड्स बहुत अच्छे हैं। तो इन द लॉन्गर रन ये जितने भी अभी सेक्टर मैंने जो है वो जिक्र किया इनमें आगे जाते हुए एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ रहा है। राइट। आपने कहा कि लॉन्गर रन में एक पॉजिटिव नोट दिखाई दे रहा है। इन द टाइम्स जब हम बात करते थे मार्केट के अंदर, जब मार्केट का एक एटमॉस्फेयर जब ये हम कहेंगे बन जाता है कि ब्लू चिप्स की तरफ बाइंग की जाए, नहीं अभी थर्ड टियर की तरफ, तो क्या ये एटमॉस्फेयर थर्ड टियर को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से लोग ज़्यादा इधर अपना रुझान दिखा रहे हैं? देखें, मेरे ख्याल में जो मार्केट है ना, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, मार्केट व्यू ले रही होती है आपकी
पॉलिटिक्स पे मार्केट व्यू ले रही होती है, इकोनॉमी पे मार्केट व्यू ले रही होती है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो जब ये तीनों चीज़ें आगे जाते हुए आपको पॉजिटिव दिखती हैं कि आपको पॉलिटिक्स आगे जाते हुए अच्छी दिख रही है, आपको जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो आगे जाते हुए अच्छी दिख रही है, और जो इकोनॉमी है उसमें भी आपको नज़र आ रहा है कि चीज़ें आगे बेहतरी की तरफ हैं, तो ये जब तीनों एलिमेंट पॉजिटिव हो जाते हैं अलॉन्ग विद द सेंटिमेंट्स, क्योंकि सेंटिमेंट इस चीज़ को बूस्ट करते हैं, तो आई थिंक एक ओवरऑल मार्केट में रिपल डाउन इफेक्ट आता है। राइट, और यही हमने वॉल्यूम्स में भी देखा था कि बिलियंस जो वॉल्यूम क्रिएट हुए हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स की पार्टिसिपेशन देखी जाती है। चले ताहिर, टाइम ज़रा शॉर्ट है, तो मैं चाहती हूँ कि हम ज़रा डिस्कशन कर लें पॉलिसीज़ के ऊपर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो कंस्ट्रक्शन पैकेज था, उसके एक कंस्ट्रक्शन पैकेज आने के बाद यहाँ पर तो बहुत पॉजिटिविटी और यहाँ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन नज़र आ रही है बिल्डर्स हज़रात की, लेकिन एक तरफ स्टील की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो गई हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखें, हमने जैसे विटनेस किया है कि इस वक्त पूरी दुनिया में कमोडिटीज़ का बूम साइकिल चल रहा है, और ये सिर्फ स्टील के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। आप फूड सेक्टर में प्राइसेस देख लें, आप वीट की प्राइस देख लें, आप शुगर केन की प्राइसेस देख लें, आप कोल की प्राइसेस देख लें, आप ऑयल की प्राइसेस देख लें, आप स्टील में CRC, HRC, स्क्रैप, किसी भी चीज़ की कमोडिटी की प्राइसेस देख लें, फर्टिलाइज़र में यूरिया डैप की इंटरनेशनल प्राइस देख लें, तो एक जो कोविड के लॉकडाउन और पेंडेमिक के बाद जो एक डिमांड पुल आया है उसकी वजह से डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है, तो उसकी वजह से एक हमने तो पहले सप्लाई डिस्ट्रप्शन भी तो दिखाई दे रहा था। जी पहले था, बट डिमांड एकदम से आई है ना, क्योंकि सब कंट्रीज से मेजॉरिटी लॉकडाउन काफ़ी हद तक ईज ऑफ हुआ है, तो एक पूरी दुनिया में एक डिमांड का रिवाइवल हुआ है, तो उसकी वजह से आप देखें इस वक्त कमोडिटी इंडेक्स जो है वो हिस्टोरिक हाई लेवल पे। तो अब जो आप बात करिए कि लोकल स्टील की प्राइसेस बढ़ गई, लोकल सीमेंट की प्राइसेस जो है वो बढ़ी हुई हैं, उसका मेजर रीज़न ही ये है कि जो इस वक्त हम जो बनाते हैं यहाँ पे स्टील और सीमेंट, ऑब्वियसली उसमें हम रॉ मटेरियल सीमेंट में कोल इम्पोर्ट करते हैं, स्टील में जैसे हम HRC इम्पोर्ट करते हैं, स्क्रैप इम्पोर्ट करते हैं, तो वो अगर इंपोर्टेड आइटम्स की आप समझ रहे हैं, जी बिल्कुल, कि जो आपने अगर लॉन्ग स्टील बनाना है, आपने रीबार सरिया बनाना है, तो आपने उसके लिए स्क्रैप इम्पोर्ट करना होगा, इसी तरह अगर आपने CRC बनाना है तो उसके लिए आपने HRC इम्पोर्ट करना होगा, तो वो जब प्राइसेस अपने एक हाईएस्ट लेवल पे हैं, तो ऑब्वियसली जो कंपनीज हैं वो उसको जो है वो एंड कंज्यूमर पास ऑन करती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी आप देखें गवर्नमेंट ने PDL में भी जो है वो तकरीबन 600 अरब रुपए से ऊपर का नंबर रखा है, 600 अरब रुपए से ऊपर का नंबर है कि अगर हम साल भर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी तकरीबन 27 रुपए पर लीटर रखें तो ये जाके टारगेट अचीव होगा। और इस वक्त पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी तकरीबन 4.5 रुपए के करीब है पेट्रोल पे और 13 रुपए के करीब है डीजल पे, तो जो असल में पेट्रोल प्राइसेस हैं और डीजल प्राइसेस हैं वो भी इवेंचुअली बढ़नी है, क्योंकि आप देखें कि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं वो जो है वो 50 से लेके जो है वो 70 क्रॉस कर गई हैं, और हमारे मुल्क में जनवरी से लेके अब तक प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं गवर्नमेंट ने। दैट इज द रीजन कि ये हाइक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मज़ीद फर्दर भी गवर्नमेंट ने एक कोशिश की कि रिलीफ दिया जाए जनरल पब्लिक को, तो जनवरी से लेके अब तक हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो 23 रुपए होती थी उसको कम करके 4 रुपए कर दिया है, बट अब ये अगर ऑयल यहाँ पे स्टेबल रह जाता है तो इवेंचुअली ये चीज़ पास ऑन होगी एंड कंज्यूमर पे। तो और ऑब्वियसली आपके जो टैक्स के टारगेट हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है, फिर IMF के टारगेट्स हैं, आपने वो मीट करने हैं, तो इवेंचुअली तो ये चीज़ पास ऑन हो जानी चाहिए, और आई बिलीव गवर्नमेंट करेगी भी। ओके, FATF के बारे में बात करते हैं अब, क्योंकि नेक्स्ट वीक से ये तमाम एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, 21st to 25 हमें पता चलेगा, 25th of June हमें पता चलेगा कि क्या आउटकम होने वाला है, तो फाइनली अब हम कहाँ जाने वाले हैं, वाइट लिस्ट में जाने वाले हैं या इस बार फिर लॉज बॉब? देखें, आई बिलीव अभी रिसेंटली जो मिनिस्टर हैं फमाद रज़ा साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आउट ऑफ 40 जो प्री रैक्स हैं उसमें से 31 पे जो है वो हमने उनको कंप्लीट वो कर लिया है, तो आई बिलीव शायद इस रिव्यू में स्टेटस को रह जाए और फिर जो नेक्स्ट रिव्यू है उसमें जो है वो हम लोग वाइट लिस्ट में जो है वो। इट्स अ डिफिकल्ट टास्क कि हम स्टार्ट से इतनी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं फिर भी एक आउटकम उसमें पॉसिबल नहीं हो रहा। देखें, ये जो इस गवर्नमेंट ने स्पेशली FATF के हवाले से काम किया है, आई थिंक इट्स अ बिग अचीवमेंट, जबरदस्त काम किया है, रीजन बीइंग के हमारे मुल्क में जिस तरह बैंकिंग चैनल्स में जो है वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल चीज़ों को जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड किया है, फिर हमारा जो करेंसी का था उसमें आप देखें जो हमारी रेमिटेंसी सपोर्ट जिस तरह आ रही है उसका एक रीज़न बड़ा ये भी है कि गवर्नमेंट ने इलीगल चैनल्स पे कर्ब किया है, तो गवर्नमेंट ने स्पेशली FATF के हवाले से आई वुड से कि बहुत एक्सेप्शनल काम किया है, और इससे हमें लॉन्गर रन में जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा,
और इवेंचुअली जो हमारी वाइट इकोनॉमी है उसको जो है वो बेनिफिट होगा, बेनिफिट होगा। लेकिन अभी आप जो है वो आपका टेक ऑन ये है कि आई बिलीव के स्टेटस को रहेगा और फिर नेक्स्ट रिव्यू में मोस्ट लाइकली नवंबर में हम लोग जो है वो फिर होप फॉर द बेस्ट, हम ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं ताकि आने वाले दिनों में कुछ पॉजिटिव आउटकम हो जाए। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं मार्केट के टेक्निकल टर्म्स की। वॉल्यूम्स वाइज अच्छी मार्केट दिखाई दे रही है, नियर फ्यूचर आप कहाँ देख रहे हैं मार्केट को? आई बिलीव मार्केट का पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। इस हफ्ते जो मार्केट में थोड़ी सी जो है वो नेगेटिविटी या थोड़ी करेक्शन आई वुड से आई है, उसका रीज़न ये था कि लोगों ने इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रो ग्रोथ बजट बाइंग की हुई थी और ऑब्वियसली मार्केट पे हर लेवल पे सेलर्स तो मौजूद ही होते हैं, तो आई थिंक वो प्रॉफिट टेकिंग हुई है। किस टाइप के इन्वेस्टर्स आजकल ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डे ट्रेडर ज़्यादा हैं या लॉन्गर रन या फॉरेन? आई थिंक डे ट्रेड पे पार्टिसिपेशन बढ़ी हुई है, रिटेल साइड पे पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो उसमें व्यू जो होता है वो काफ़ी शॉर्ट टर्म व्यू हो रहा होता है रिटेल साइड पे, तो वो जो है वो आई बिलीव कुछ प्रॉफिट टेकिंग हो जाएगी, मार्केट कंसोलिडेट करेगी एंड फिर आई बिलीव इसी साल हम लोग जो है वो जो हमारा लास्ट हाई था 53,000 का उसको हम जो है वो ब्रेक कर देंगे। राइट, कुछ पॉजिटिविटी है और यहाँ पे ट्रिगर्स मौजूद हैं क्योंकि इस वीक के अंदर हम कुछ न्यूज़ ऐसे भी पढ़ रहे थे कि लैक ऑफ न्यूज़, लैक ऑफ ट्रिगर्स, तो ऐसा भी था। अब आई बिलीव उससे अगर आप एक हफ्ता पहले चले जाएं तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो वो आई थिंक वो नेट ऑफ हो रही थी चीज़ क्योंकि बजट से पहले काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो गई। ताहिर, अगर पोर्टफोलियो बनाया जाए और बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ को देखा भी जाए तो कौन से सेक्टर्स हैं जिनको अपने पोर्टफोलियो में चूज़ करना चाहिए ज़्यादा? आई बिलीव ENP सेक्टर इज़ हाईली अंडरवैल्यूड और उसमें जो दो बड़ी कंपनीज हैं हमारी उनको जो है वो बिल्कुल फोकस रखना चाहिए। सीमेंट सेक्टर को आई गेस फोकस में रखना चाहिए क्योंकि जितना PHDP गवर्नमेंट ने 900 बिलियन रुपीस जो है वो एलोकेट किया है और नया पाकिस्तान हाउसिंग ऑलरेडी सीमेंट में बाइंग काफ़ी हो गई है और लोग काफ़ी इंटर हो चुके हैं। आई बिलीव कि ये रैली जो है वो सीमेंट में एक्सपेक्टेड है, ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है सीमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसी तरह स्टील में भी मुझे पॉजिटिव मोमेंटम लगता है, मुझे रिफाइनरीज में बहुत पॉजिटिव मोमेंटम लगता है, तो ये सारे चार सेक्टर्स हैं जिसमें मेरे ख्याल में जो है वो ओवरवेट रहना चाहिए। राइट, मार्केट कैसी दिखाई दे रही है, बस लास्ट वर्ड में बताएं। मार्केट पॉजिटिव दिखाई दे रही है और इंशाल्लाह नया हाई बनाएगी, मार्केट न्यू हाईज बनाएगी। थैंक यू सो मच ताहिर, आप हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी डिटेल एनालिसिस हम देख रहे हैं, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है अक्रॉस द बोर्ड पूरे मार्केट के अंदर, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस में हम एक पॉजिटिव ग्रोथ देख रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मोमेंटम की बात करें तो यहाँ भी मोमेंटम में बहुत पोटेंशियल नज़र आता है। इसी मोमेंटम से अगर स्लोली ग्रेजुअली और वॉल्यूम्स के साथ मार्केट अगर चलती रहे तो यही चेरिश करेंगे आगे आने वाले दिनों में, यही पॉजिटिविटी नज़र आएगी। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इस वीक के अंदर पूरी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रही है, आप ईमेल कर सकते हैं हमें bizstock@pv.com.pk के, आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।